तो इसको वैसे नहीं पढ़ाया जा रहा है जैसे कि पढ़ाना चाहिए तो हमने जैसे बैक्टीरिया पढ़ा था किंगडम मोनेरा पढ़ा था इफ यू रिमेंबर किंगडम मोनेरा में हमने पहले पढ़े जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फिर हमने पढ़े उसमें दो टाइप के अलग कैटेगरीज आर की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया एंड देन इन यू बैक्टीरिया वी स्टडीड साइनो बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ना एक इमेज बनती है एक चार्ट सा बनता है कि नहीं ये टॉपिक ये टॉपिक इधर 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 ऐसे आया सो वी हैव टू डू को दो पार्ट, में किया है। अब ये दो पार्ट हम कैसे आगे लेके जाएंगे पहली बात तो फंगस के अंदर जो मैं आज डिस्कस करूंगी बेटा दैट विल बी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे ठीक है जनरल कैरेक्टर्स वी आर डिस्कसिंग एंड सिंस वी आर डिस्कसिंग जनरल कैरेक्टर्स इन दिस आज ऐसी काफी चीजें होंगी जो आपको एनसीआरटी में सीधी सीधी दिखाई नहीं दे रही है देर विल बी अलॉट ऑफ पॉइंट दैट यू डू नॉट सी डायरेक्टली इन एनसीआरटी कोई प्रॉब्लम नहीं है

जो ठीक है, jo है जैसे सही लगे उसके लिए आप अटेंड कर सकते हो आज दो बजे जेनेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे हम दिस विल बी अज तो जो बच्चे ट्वेल्थ में है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं इट विल बी अम्पलीट फोर्टी फाइव टू फिफ्टी क्वेश्चन जेनेटिक्स ताकि जब मैं आगे जेनेटिक्स आपको तो आपको बजे तो पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हो ठीक है वहीं पे आज शाम को आठ बजे हम पढ़ेंगे प्लस पे कैसे पढ़ा है एंड इफ वांट टू कम ऑन प्लस एंड स्टडी देयर वो भी आप कर सकते हो बाय एनरोलिंग टू दिस बैच मेधावी प्लस जिसमें सेशन हमारे होते हैं पांच बजे फाइव पी एम प्लस ठीक है तो प्लस का टाइमिंग तो फिक्स है बेटा ये दोनों टाइमिंग के टाइमिंग दो बजे और आठ बजे दोनों होते हैं राइट सो दिस इज वॉट वी आर डूइंग फॉर टूडे एंड मेक श्योर गुड मेक श्योर कि आप लोग इस पॉइंट पौ को नोट कर लो ठीक है अपने फ्रेंड्स को कन्वे कर दो अपने आ, भाई बहन जो पढ़ाई कर रहे हैं नीट की उनको कन्वे कर दो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद अभी तक ये भी नहीं जानते कि इतना सारा फ्री एजुकेशन इज एब्सोल्युटली अवेलेबल ऑन एनअकेडमी ठीक है सो दिस इज वेयर वी स्टार्ट द टॉपिक हम बात करेंगे आज कुछ जनरल कैरेक्टिस्टिक्स ऑफ फंगस की ठीक है फंगस के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स द जनरल पॉइंट्स ऑफ फंगस इज हम वो सारे बात कर रहे हैं जो आर एच वे टी थी ठीक है, ट एवर आर्युचर वॉज से हम वही सारे पॉइंट्स लिखने वाले हैं अगर आपको याद हो तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट था कि टाइप ऑफ सेल क्या है प्रो कैरियॉट की यू कैरियो सो इट्स यू कैरियोटिक सेल ठीक है इट्स यू कैरियोटिक सेल फंगस इज अ यू कैरियोट का मतलब इसके पास अपने मेमब्रेन बाउंड ऑर्गेनलिज होंगे है ना होंगे और ये सारी कहानियां ठीक इसके अलावा आर एच अच्छा खासा प्रॉपर टिश्यू सिस्टम भी नहीं है और सिंगल सेल का भी नहीं बना हुआ तो हमारे पास प्रेजेंस इसका क्या आ जाता है ऑफ लूज टिश्यू है ना ये सारी बातें मैं वापस रिपीट कर रही हूं बिकॉज दिस इज ऑलरेडी वॉट वी हैव कवर्ड इन क्लासिफिकेशन वाला पार्ट राइट नाउ यू कैर एंड इसके बाद हमारे पास आ जाता है दैट अब ये ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा कहाँ ठीक है ये दो मेन पॉइंट हमने आर्चवेटिकल क्लासिफिकेशन वाले टेबल से उठा लिए और अब आते हैं बात में कि कहा मिलेगा अकरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फंगस इज प्रेजेंट एवरीवेयर जहां जहां ऑर्गेनिक मैटर होगा उसके साथ साथ आपको फंगस मिलता जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रोफिक इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है यह अपना खाना किसी भी हाल में खुद नहीं बनाने वाला क्योंकि इसके पास कोई पिगमेंट ही नहीं है स्पेशली नो क्लोरोफिल सो ए क्लोरोफिल मतलब होता है एबसेंट है ना सो दिस विल बी नो क्लोरो नो क्लोरोफिल योर क्लियर नेक्स्ट पॉइंट

इटन एंड क्या चीज आ जाएगा काइटन एंड पोलीसैकराइड काइटन एक एक तरीके का पॉलीमर है ऑफ शुगर जो आपने में शायद सुना होगा है ना तो वो चीज आ जाएगी नेक्स्ट फंजाई कंसिस्ट लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी बेटा ये एक नया टर्म है ये टर्म आपने अभी से पहले कहीं नहीं सुना होगा दिस इज समिंग दैट इज वेरी यूनिक टू फंगस हम फंजाई को कि पतले पतले धागे रेशा जिसको बोलते हैं ना जैसे आप मान लो एक नूडल्स खा रहे हो है ना आप मैगी खा रहे हो तो जो मैगी आप खा रहे हो उसमें से जो एक सिंगल थ्रेड होगा या एक सिंगल मैगी का स्ट्रैंड है वो हाइफी है वो हाइफी है और वो जो पूरा बोल है ना नूडल्स का सारा बोल जो आपके पास है नूडल्स का दैट इज माइसीलियम ये नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसीलियम ये दो वर्ड्स काफी नए हैं बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है और फिर यही फंगस छोड़ देता है नॉट नॉट गोइंग गोइंग टू टू डू डू दैट दैट ठीक है वी आर मैं बार बार आपको साथ साथ नोट्स लिखने के लिए और इस चीजों के लिए क्यों बोलती हूं क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेलीग्राम नहीं डाउनलोड करते हैं काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो आ, कभी कभार मेरे से भी हो जाता है आगे पीछे हो जाता है कभी टेलीग्राम पे मैं नहीं शेयर कर पाई हूं पीडीएफ कल कर दूंगी आज कर दूंगी तो आगे पीछे होती रहती है चीजें नोट्स क्लास में जब बैठे ही हो तो साथ के साथ क्यों नहीं बना लेते हो, है ना वाई डू हैव टू कीप ऑन आस्किंग कि नोट्स और ये और वो और कहाँ किधर जस्ट कंप्लीट द टॉपिक हियर एंड हियर इट सेल्फ ठीक है चलिए अब आ जाते हैं मेन डिस्कशन पे ये सारा पॉइंट इसमें जो सबसे नया पॉइंट है बेटा वो ये दोनों है 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 ना और वाला टर्म आपको पहली बार यहाँ पता चल रहा है। तो make sure that you remember ये चीज एक सिंगल धागा ठीक पूरा बहुत सारे ऐसे धागे होंगे राइट सेक्शन जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में फटाफट से हाय हेलो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हाइफी अब ये जो धागे हैं मेरे पास ये किस-किस तरीके के हो सकते हैं देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ हाइफी लिखा हुआ बाद में देखना पहले डायग्राम समझो और डायग्राम मैं ड्रा भी करूंगी ताकि इजी वाला फॉर्म आप ड्रा कर सको ठीक है ओके okay. दो तरीके की हाइफी होती हैं एक ना बेटा पूरा धागा है ऐसा लंबा सा और इसमें न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस देयर इज नो वॉल बीच में ठीक ये आपका सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान के चलो इसके साथ साथ इधर ही निकल गई है हल्का हल्का सा बेंडिंग कहीं पे होगी बट ये वाली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक ही पतले से धागे में आपको बहुत सारे न्यूक्लिया दिख रहे हैं एंड दैट इज नोन एज अ मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन इसको देखो ठीक है इसे हम बोलते क्या है पहली चीज एक ऐसा धागा है जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस है तो आपने पहला टर्म तो इसके लिए यूज कर दिया मल्टी न्यूक्लिएट ठीक है बच्चा मल्टी न्यूक्लिएट मल्टी के लिए एक वर्ड हम बहुत कॉमनली यूज करेंगे बार बार फंगस में एंड दैट इज कॉल्ड एज सीनो सिनोसिटिक सीनोसिटिक का मतलब और कुछ नहीं मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन ही है अब ये बहुत सारे न्यूक्लियस एक धागे में कैसे आ गए क्योंकि बीच बीच में वॉल नहीं थी राइट बिकॉज देर इज नो डिविजन ऑफ सेल है ना अलग अलग सेल नहीं बन पाया तो ऐसे में आई एम गोइंग टू नाउ कॉल इट ए सेप्टेट विदउट एनी वॉल विदाउट एनी डिविजन तो ये क्यों हो पाई कंडीशन क्योंकि अंदर कोई सेप्टा नहीं है एंड दिस इज कॉल्ड एज ए सेप्टेट विदाउट डिविजन विदाउट सेप्टा ठीक है ठीक है बेटा नेक्स्ट इस वाले को देखो नाउ यू सी समिमार्केशन हियर है ना आपको कुछ कुछ डिविजन इधर दिखाई दे रहे हैं यू सी समिविजन हियर जिसमें कि आपने अब आप अलग अलग एक सेल बना दिया है तो अब ये वाला जो हाइफी है ये कैसा दिख रहा है दिस इज दाइफी विच इज मल्टी सेल्यूलर क्योंकि अलग अलग सेल हो गए हैं मल्टीपल सेल मल्टी सेल्यूलर मल्टी न्यूक्लिएट में डिफरेंस समझ में आ रहा है मल्टी सेल्यूलर में एक एक सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस होगा तो ईच सेल इज यूनी न्यूक्लिएट हर एक के अंदर सिर्फ एक है न्यूक्लियस अब इसको आप सीनोसिटिक कंडीशन नहीं बोलोगे क्यों क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ डिविजन बन गई है तो ऐसा हाइफ़ी कहलाता है सेप्टेट दिस इज कॉल्ड एज सेप्टेट अपना बेटा दो तरीके के सेप्टा बनते हैं दो तरीके के डिविजन बन सकते हैं वन इज कॉल्ड एज सिंपल सेप्टा एंड द अदर इज नोन एज डॉलीर सेप्टा एग्जाम्पल्स से मैं आपको बर्डन अभी नहीं करूंगी बर्डन में आपको नेक्स्ट क्लास में करूंगी ठीक है वो जो एग्जाम्पल्स का भार है ना फंगस का वो आप पे अगली क्लास में फेंका जाएगा क्यों क्योंकि आज की क्लास में टर्म्स काफी सारे नए इंट्रोड्यूस होंगे ठीक है जैसे हाइफी माइसीलियम सेप्टा सीनोसिटिक बहुत सारे नए नए वर्ड्स टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रहा है तो मैं चाहती हूँ पहले आप वो टर्मिनोलॉजी समझ लो और फिर हम उसमें एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में रखेंगे तो आज एग्जाम्पल नहीं रख रही हूं मैं ठीक है नो एग्जाम्पल फॉर टूडे क्लास टूडे ओनली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टर्म एंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट ठीक है नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल के साथ पूरे को रिवाइज करेंगे ये होता है इसका एग्जाम्पल ये है ये ये होता है इसका एग्जाम्पल ये है सो अ लिटिल डिविजन ऑफ मेहनत एक दिन टर्म्स पढ़ लिए अगले दिन एग्जाम्पल पढ़ लिए ओके नाउ द सिंपल सेप्टा दैट वी हैव इसमें क्या होगा कुछ भी नहीं है ये ये देखो ये वॉल है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर तक चली जाती है न्यूक्लियस एक ऊपर एक नीचे है दिस इज अ सिंपल सेप्टा दिस इज अ वेरी सिंपल सेप्टा सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बेंड करके आ गई और कुछ भी नहीं हुआ क्वाइट सिंपल राइट नेक्स्ट जब आप डॉलीपोर को देखते हो तो डॉलीपोर सेप्टा में आपके पास हो जाता है कुछ ऐसा कंडीशन ये सेल वॉल है सेल मेम्ब्रेन। मैं ना थोड़ा डार्क ब्लू ले रही हूं क्योंकि लाइट वाला दिखने ना शायद ये ऐसे आता है फूल जाता है

बना के देगा कुछ फर्क नहीं पड़ा इट इज सेम एज जस्ट नॉर्मल सिंपल सेप्टा ठीक है तो ये आपको एक ही कैटेगरी में मिलता है बस वही मिलता है उसके बाद फिर वाला फालतू इट वर्क इट इज नॉट दैट ऑसम छोड़ दो ओके ठीक तो ये जो आपके पास ब्रैकेट बना ना इर ER के छोटे छोटे वेसिकल्स का जो ब्रैकेट बना इसको हम बोलते हैं पेरेंथोसिस या पेरेंथोसोम्स पेरेंथो

है ना यहां तक क्लियर लिख लिया चलें आगे नो नो वेरी एक्सट्रॉर्डिनरी फंक्शनिंग ऑफ सेप्टा बस बना दिया अब ऊपर जो पैराग्राफ लिखा है उसको देखो सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब filled with multinucleated condition multinucleated cytoplasm called as cenocytic hyphae yeovalli and the others have septa or cross walls and that is yeovalli easy super easy okay? moving on to the next point the structure of fungal cell cell structure cell structure सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात एक नॉर्मल सेल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको क्या चीज इसमें अलग है आप ड्रॉ करना चाहो तो कर लेना बट आई करने का इतना रिक्वायरमेंट है. तो है वो लिखो ठीक है, क्या है हमारे पास प्लांट सेल एनिमल सेल तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के कंपैरिजन में फंगस में क्या चीज अलग दिख रही है आपको वॉट इज सो डिफरेंट इन फंगस दैट यू सी अकॉर्डिंग टू द बोथ ऑफ देम राइट ना द्वारा वॉल होगी बेटा है ना तो सेल वॉल जो मेरे पास है वो किसकी बनी हुई है जल्दी से चार्ट सेक्शन किसकी बनी है मेरे पास सेल वॉल काइटिन की सेल वॉल ऑफ फंगल सेल इज मेडअप ऑफ काइटिन पहला पॉइंट प्लाज्मा में काफी हद तक सेम कुछ खास डिफरेंस नहीं है प्लाज्मा में लेकिन एक छोटा सा पॉइंट आप लिख सकते हो कि हमारे पास मानो ये एक फंगस का सेल है ओके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे अच्छा पीछे मैंने बनाया था उसके जैसा बना देती हूँ पीछे हमने सेप्टा बनाया था ना मित्र ये ऐसे सेप्टा बनाया हमने ठीक है जिसमें मैंने आपको बहुत सारे न्यूक्लिया दिखाए ए सेप्टेड फंगस इसमें मैंने मेम्ब्रेन को ऐसे दिखाया था हल्का सा बेंड कर जाता है

राइट right? हां तो वहां जो मीजो था ना बेटा वो यहां लोमाजोम्स है ठीक अगला देखिए नॉर्मल हमारा सेल है, है? ठीक तो आप बाकी देखो मेम्ब्रेन हमारे पास ग्रेन्यूल स्टोरेज यूजुअली स्टोरेज किस फॉर्म में होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं स्टोरेज इज यूजुअली इन फॉर्म ऑफ लिख लो यहीं पे लिखना चाहते हो तो ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम स्टोरेज करते हैं फंगस में ठीक सेप्टा नो सेप्टम डिविजन का प्रेजेंस लिपिड ग्रैन्यूल्स ऑप्शनल है हो सकता है ग्रोथ टिप हटा दो उसमें इतना नहीं है न्यूक्लियस नॉर्मल ई आर नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म नॉर्मल वैक्यूल प्रेजेंस हो सकता है एप्सोलूटली नॉर्मल गोल्जी बॉडीज आर यूनी सिस्टर्नल यूनी सिस्टर्नल मतलब आप कभी भी इंटरकनेक्टेड गोल्जी नहीं देखोगे आप ऐसे देखोगे अलग अलग बस गोल्जी दैट यू सी योर वो इंटरकनेक्टेड गोल्जी अलग दिख रहा है ना ये तो गोल्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिविजुअल है. है ना बेटा तो ये चीज जो मैंने सिर्फ लिखी है इतना इतना भी एक्स्ट्रा लिखोग क्योंकि बाकी सब सेम ही रहता है आपका न्यूक्लियस्यूल माइटोकॉन्ड्रिया एवरीथिंग इज सिमिलर टू हाइर स्ट्रक्चर्स दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल कुछ डिफरेंस नहीं है ठीक है क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली यहां नहीं होगा क्योंकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है photosynthesis, और ये फोटो सिंथिस करने से रहा ठीक है नेक्स्ट लाइन सेल स्ट्रक्चर हो गया अगर आपको याद हो तो जस्ट गोइंग टू रिवाइज व्हाट वी टॉक्ट अबाउट कि मैंने आपको मोनेरा में कितनी बार बोला था कि हमें कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं क्या मैं ये जानता हूं तो मैं चैप्टर जानता हूं पहला ऑल्सो है फंगस ये दूसरा अकरेंस कहाँ मिलेगा जहां जहां ऑर्गेनिक मैटर होगा वहां वहां मिलेगा सेल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया सेल स्ट्रक्चर में वो सेप्टा वगैरह भी सब कुछ आ गया हाई फी माइसीलियम एवरी कम्स अंडर सेल स्ट्रक्चर ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आप जानते हो इसका हेटरोट्रोफिक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट ठीक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अब इस पे मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लगाऊंगी थोड़ा पॉइंट्स एनसीआरटी से बहुत ऊपर बताऊंगी क्यों क्योंकि वही सारे पॉइंट्स आगे आपके फाइकोमाइसिटीज ओमाइसिटीज ज़ाइगोमाइसिटीज ये सारे जो दिए हुए हैं ना एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोडिटेरो इनके अंदर पैराग्राफ में लिखे हैं मैं आपको पहले बता रही हूं ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में सब कुछ समरी एक साथ गुड़ो ठीक है चलो ओके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस सबसे पहला धागे होते हैं तो टूट सकते हैं धागे फ्रैगमेंटेशन धागा है जरूर लेकिन वो धागा टूट भी तो सकता है तो पतले पतले वो जो हाइफी है वो बीच में से टूट जाते हैं नॉर्मल माइसीलियम कैन ऑल्सो ब्रेक आपकी एक्टिविटी से किसी और एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से पत्थर गिर गया लकड़ी गिर गई कुछ टूट गया ठीक है तो हाइफी कैन ब्रेक एंड डिवाइड इनटू टू बाय नॉर्मल फ्रेगमेंटेशन और तब से फिर वो अलग ऑर्गेनिज्म कहलाने लगेगा अलग इंडिविजुअल कहलाने लगेगा सेकेंड बडिंग न बडिंग में आपके पास क्या फायदा है हमने सबसे ज्यादा इस एग्जाम्पल को ईस्ट में पढ़ा है आप इतनी बार बचपन से पढ़ते आ रहे हो बर्डिंग इन ईस्ट बर्डिंग इन हाइड्रा बर्डिंग इन ईस्ट एग्जैक्टली इन अ कि बर्डिंग होते टाइम मेल ये सॉरी जब मेन सेल है आपका पेरेंट सेल है उसमें से एक छोटा सा एक्सटेंशन आता है धीरे धीरे उसका साइटोप्लाज्म बढ़ता जाता है ठीक है इन इनिशियली उसको हम कोई भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म नहीं देंगे थोड़ा सा साइटोप्लाज्म ठीक तो स्टार्टिंग से आप बता सकते हो कि पेरेंट सेल कौन सा है और बड़ कौन सा है जैसे जा आप जानते हो ये मदर सेल है उससे ये बढ़ाया इससे ये बढ़ाया सो देर इज अन इक्वल डिविजन ऑफ साइटोप्लाजम एंड पेरेंटल आइडेंटिटी इज नॉट लॉस्ट मतलब मैं बता सकती हूं अभी भी, भी कि पेरेंट कौन है आई कैन स्टिल टेल कि इन दोनों में से कौन सा पेरेंट है और कौन सा नया बर्ड है है ना इसी की जगह आप कंपैरिजन में देखो बाइनरी फिजन बाइनरी फिजन

ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्मड ये देखो एंड दैट इज द फोर्थ हेडिंग हमने पीछे करा ना फ्रेगमेंटेशन हेडिंग एंड दैट इज स्परेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन वट स्पोर्स अलग अलग तरीके के होंगे मैं सारे एक्सप्लेन करूंगी ठीक है गोइंग टू ड्रॉ ईच एंड एवरी मैं एक कॉमन डायग्राम यहां बना दिया बट हमारे हरेक को अलग अलग बनाएंगे ठीक है स्टार्टिंग विदर्स टाइप ऑफ स्पोर एंड दैट इजू स्पोर जू स्पोर्ट एनिमल स्पोर्ट ठीक है पहली चीज ये एनिमल स्पोर्ट आपकी एक कवरिंग में बनते हैं बेटा ठीक बड़े ऑब्वियस पॉइंट्स लिखेंगे हम क्या आपको फ्लाजिला दिख रहा है यस yes. तो पॉइंट नंबर वन दे आर मोटाइल ये चल सकते हैं अगर चल सकता है और फ्लाजिला से चल रहा है तो पानी में चल रहा होगा दैट मीन्स ज्यादातर ये वाले स्पोर एक्वेटिक फंगस में बनते हैं जहां फंगस हमारा एक्वेटिक होगा ना या पानी में रहना या ऐसा पसंद करता होगा उसमें ज्यादातर आपको जो स्पोर दिखेंगे ठीक है तो जो स्पोर्स आर मोटाइल वाई आर दे मोटाइल क्योंकि इनके पास दो फ्लाजिला है दे आर बाय बाय एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कवरिंग के अंदर बनते हैं देर इज अ कवर अराउंड देम, ठीक है them, जब मेचोर होगा ना तो ये कवर ब्रेक हो जाता है दिस कवर ब्रेक्स एंड ये सब बाहर निकल आएंगे बाहर ठीक है तो कवर के अंदर बन रहा है इसका मतलब दैट इट इज एंडोजीनस इन ओरिजिन एंडो जीनस इन ओरिजिन इट इज फॉर्मड इन साइड अ कवरिंग उस कवरिंग को बर्स्ट करके बाहर निकलना है एंडोजीनस स्पोर्स ठीक है ये सारे पॉइंट फॉर जू स्पोर्स दूसरा द सेकेंड पॉइंट सेकेंड टाइप स्पोरजियो स्पोर्स स्पोरजियो स्पोर्स आर गोइंग टू फॉर्म एक छोटा सा कवरिंग कैसा बनता आपके पास जिस छोटा सा हाइफी था ना उसमें से एक्सटेंशन ऊपर की तरफ आ जाएगा तो अगर ये आपकी हाइफी है बेटा यहाँ पे देखो दिस इज योर हाइफी इट गोज अप एंड जस्ट डिवाइड एंड गोज इन टू दिस ठीक है ये हाइफी ऊपर की तरफ चली गई एक अलग सी ब्रांच बना ली है इसने तो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना रहा है अभी ये फंगस बनाने के लिए ठीक है स्पोर बनाने के लिए ये जो डंडी गई जो स्टॉक स्टॉक का हम आप लिख सकते हो फोर तो हम इसको लेबल करेंगे स्पोरजियो स्पोरजियो फोर ठीक है फोर मींस स्टॉक तो स्पोरजियो स्पोर spor को कैरी करने वाली डंडी जियो फोर स्पोरज को कैरी करने वाला स्टॉक ठीक है उसमें आता है ये बीचो बीच हमारे पास एरिया दिस इज नोन एज कॉल्यूमेला क्वाल्यूमेला इज नाथिंग बट अ कनेक्टिव एंड इज स्टेराइल ये स्पोर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा इस इज नॉट इन्वॉल्व इन स्पोर का बनवाना ठीक है स्पोर का है मैम तो ये बनी कवरिंग और कैविटी जिसमें स्पोर बनते हैं उसको आप क्या कहते हो <laughs> कैविटी जिसमें स्पोर बनेंगे उसको हम क्या कहते हैं स्पोरजियम कैविटी जिसमें स्पोर बनता है इज कॉल्ड एज स्पोरजियम और इसके अंदर कंचे की तरह छोटे 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 कंचों की तरह स्पोर्स भर जाएंगे Small, small, small spores inside, packed completely. ठीक है इट इज टोटली completely पैक्ड बेटा ऐसे भर के एकदम अब मस्त बात क्या हो गई है ये भी एक कवरिंग के अंदर है लेकिन इसमें फ्लैजला नहीं है सो दिस इज इमोटाइल न नॉट मूव ऑन इट्स ओन ठीक है तो स्पोरजियो स्पोर के लिए पहला पॉइंट इन मोटाइल नो फ्लाज प्रेजेंट इज नो फ्लाज प्रेजेंट और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी एक कवरिंग के अंदर है तो ओरिजिन कैसा हो जाएगा इंडोजीनस इन ओरिजिन इट इज फॉर्म इन साइड अ कवरिंग ये बाहर स्पोरांजियम की जो कवरिंग है यह टूटेगी टैक्ट और ये सारे स्पोर्ट्स गिर जाएंगे उड़ जाएंगे हवा में समझे बेटा यहां तक तो स्पुरजियो स्पोर्स तक समझ में आया यहां पे आपको ये वाला दिखेगा स्पुरंजियो स्पोर्स। ये इधर और ये ये वाले ठीक है नोट्स कहाँ पे मिलेगा कबाड़े की दुकान पे बहुत सारे मिलेंगे क्योंकि अगर ऐसे इकट्ठे कर रहे हो तो तो वहीं रख के रखने का फायदा है लिख लो ना भाई हाथ नहीं है हैं आलसी लोगों कोली इज जस्ट अ सेंट्रल पार्ट कॉल्यूमेला इज जस्ट द सेंट्रल पार्ट और वो सेंट्रल पार्ट क्या है बस वो एक्सटेंशन है यहाँ से कनेक्ट करने के लिए स्टेराइल रीजन इन इट पूरे पुरानजे में स्टेराइल रीजन है ठीक है चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर इसका ना मैं थोड़ा आगे डायग्राम बना रही हूँ आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट योर अच्छा हाँ यहाँ पे आ जाओ सी क्वनिडिया कुनिडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट कुनेडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट क्योंकि ऐसा स्पोर है जो हमारे पास फंगस में एक्सक्लूसिव है काइंड ऑफ यहाँ वहां भी कहीं बना होगा ना किसी और किंगडम में तो क्नीडिया बना होगा फंगस जैसे स्ट्रक्चर से जैसे आपने कुडिया का नाम सुना एक्टिनो माइसिटीज पढ़ाया था मैंने मोनेरा किंगडम में उसको भी याद होगा अगर आपको तो उसको भी हमने पहले इधर ही रखा हुआ था फंगस में बाद में मोनेरा में शिफ्ट किया है बट कुनीडिया इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक टू पंजाएं ठीक है ना फंगी के अंदर आपको मिल रहा है कोनिडिया और कोनिडिया का अरेंजमेंट कैसा वही मेरी स्टॉक डंडी ये हाइफी निकला इधर से डंडी आई तो दिस इज नीचे नॉर्मल हाइफी उसमें स्टॉक आता है ऊपर उसमें होगा कोनिडिया तो ऐसे डंडी को जो ऊपर कोनिडिया कैरी करेगा हम बोलते हैं कोनिडिय डंडी विच विल कैरी कोनिडिया इज कॉल्ड एज कॉनिडियो फोर क्योंकि फोर इज डंडी कैरी करने वाली डंडी ठीक पहुंच गए ऊपर आप आपने बना दिया ऐसा गोला गोले में हम छेद कर देंगे वेरी सिमिलर टू दिस ठीक है ये जो स्ट्रक्चर्स एक्सटेंशन की तरह आए इन्हें हम कहते हैं स्टेरिग मैटा इस्टेरिग मैटा तो डंडी ऊपर जाती है स्टॉक नॉर्मल हाईफे से निकलती है एक डंडी जिसमें ऊपर कोनीडिया होंगे तो उस डंडी को मैंने बोला कोनीडियो फोर ये वाला पार्ट जो है ना इससे एक्सटेंशन आ रहे हैं देखो है ना ऐसे ही फिंगर लाइक एक्सटेंशन स्टेरिग मैटा कहलाते हैं दीज स्टेरिक मैटर विल कैरी कोनीडिया और बड़े मस्त तरीके से सबसे छोटा नीचे और सबसे बड़े वाले क्वनीडिया ऊपर सच एन अरेजमेंट छोटा वाला नीचे बड़ा वाला स्पोर ऊपर है तो ये जो है ये है क्वनीडिया अब इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट क्वनीडिया पॉइंट नंबर वन इट इज इमोटाइल आप देख रहे हो फ्लाजिला नहीं है इसके पास फ्लाजिला नहीं है इसके पास मोटिलिटी का स्ट्रक्चर नहीं है मतलब इसका डिस्पोजल हवा से होगा पानी से नहीं इसका अरेंजमेंट इसका डिस्पोजल हवा से होगा पानी से नहीं दूसरा क्या आपको कोई भी कवरिंग दिख रही है के आसपास नहीं बाहर लगा हुआ बिल्कुल बिंदास देर इज नो कवरिंग अराउंड कुनीडिया एंड हेंस इट इज एक्सो जीनस इन ओरिजिन इट इज एक्सो जीनस इन ओरिजिन ठीक है अगला पॉइंट अरेन्जमेंट क्या है मेच्योर एट द टॉप यंग इन द बेस हम हमेशा यंग वाले स्पोर को देखते हैं यंग वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं यंग अगर बेस पे है यंग इज एट द बेस स्मॉल स्पोर इज एट द बेस तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं बेसीपिटल ठीक है बेस बेसी अरेंजमेंट किसका है बेसीपिटल कौन है बेस में कौन है यंग वाला क्योंकि आप हमेशा घर में सबसे छोटे बच्चे पर सबसे ज्यादा ध्यान होता है तो हम सबसे छोटे स्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा ध्यान वेर इज द कोनेडिया या यंगेस्ट कोनेडिया इज लोकेटेड बेस पे बेसिपिटल अरेजमेंट ठीक है दिस इज अ टिपिकल क्वनीडिया का स्ट्रक्चर ठीक है ये है एक टिपिकल क्वनीडिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया चलो आप बना दे कॉम्प्लेक्स वाला स्ट्रक्चर ठीक है लेट्स ड्रॉ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अरे तुम्हारा चैन गायब हो गया सबका क्या हो रहा है ये हाँ ओके नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट वी हैव इज वेरी कॉम्प्लेक्स तो मेनली आपको ये दिखाई देगा कुछ में इन समय यू में फाइंड मोर एलाबोरेट स्ट्रक्चर और वो कैसा दिखता है ये गई आपकी डंडी ऊपर हाई फी में से निकला तो, तो, तो आना ही था ये यहां भी था ये वहां भी है। ठीक है इसके बाद आती है इसके अंदर से ब्रांचिंग थोड़ा सा ऐसे ऐसे फूल जाता है ठीक है इफ यू वॉन्ट टू जस्ट फर्स्ट ऑर्डर ब्रांचिंग ठीक है सेकेंड ऑर्डर ब्रांचिंग हां हां सब मेरे सिर पे फोड़ दो थर्ड ऑर्डर ब्रांचिंग कोडियो फोर आगे जाके थोड़ा फूलता है उसमें से निकल के आते हैं रैमाई रेमाई इज ऑब्वियसली प्लूरल सिंगुलर होगा सिंगल के लिए हम बोलेंगे रामस ठीक है रामाय उसके बाद जो सेकेंड ऑर्डर ब्रांचिंग आती है पहला तो ये निकला इसमें से पहला ब्रांच 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 फिर कॉल्ड मैथ्यूले मैथ्यूले जो निकला उससे फर्दर जो ब्रांचिंग हुई स्टेरिक का दूसरा नाम फियलेट्स भी होता है ठीक है और अब इस पे कोनिडिया आएगा तो ब्रांचिंग फर्दर एंड फर्दर ब्रांचिंग और कोनिडिया का अरेंजमेंट वही रहता है बेटा छोटा सबसे बड़ा सबसे टॉप पे एंड द बेस दिस इज नॉट दैट कॉमन इतना ब्रांचिंग जरूरी नहीं हो लेकिन पॉसिबल है हो भी सकती है ठीक है और ऐसे नहीं लग रहा है उंगलियां उंगलियां उंगली उंगली ठीक है सो सदियाई एग्जाम्पल फॉर दिस वन मैं ज्यादा नहीं आपको बर्डन करूंगी एग्जाम्पल से आज मैंने कहा था लेकिन फिर भी रुका नहीं जा रहा बताए बिना इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो as Genius. आएंगे बेटा आगे ना बहुत एग्जाम्पल्स में सब कवर हो जाएगा ये खुद कवर हो जाएगा मैं भूल ही नहीं सकती ठीक है अपने आप कवर होगा तुम भी नहीं भूल सकते आगे अपने आप कवर होगा ठीक है डिजिट है रुकता है है फिर ये पहला वाला जो आपका क्या बोलते हैं इसको कुछ तो बोलते हैं अपना जोलॉजी में देख लेना ठीक है तो ये जो छोटे छोटे हैं दिस इज फर्स्ट ऑर्डर ब्रांचिंग फिर सेकंड ऑर्डर ब्रांचिंग फिर थर्ड ऑर्डर ब्रांचिंग ठीक बेटा आई समझ यहां तक मेटा कार्पल आ, राइट, हा, में, में, मेरा मन था कार्पल बोलने का बट मैंने सोचा कि नहीं ज्यादा नहीं जोलॉजी करते हैं जिंदगी में नो हम तो मारते पेपर में ठीक हो जाता डन चलो ये हुआ कोनेडिया कोडिया से तो बहुत प्यार है। कोनेडिया लुक्स फाइन क्चर वे यू विल फाइन को आप इसमें देख सकते हो देखो को आप ये ध्यान रखना कि हमेशा कभी भी, कभी भी, जैसे जुड़ा हुआ है ना उससे नीचे अगर कोई एक ब्रांच है तो वो स्टेरिक मैटा होगी कोनी टू स्टेरिक मैटा नीचे की ब्रांच काउंट करने की जरूरत नहीं आपको आप सीधा इसको देखो द ब्रांच टू विच कोनी इज अटैच ये स्टेरिक मैटा है बाकी जो हो सो हो ना हो तो ना हो बट मैटर इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रेजेंट ठीक है क्लियर yeah, अब इसके अलावा दो स्पोर्स और बनते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में काइंड kind ऑफ of बनते हैं ठीक है हम ज्यादातर स्पोर्स जो बना रहे हैं बेटा आप हाँ, कोडिया की भी बात करोगे अगर तो कोडिया इज ऑल्सो थिन वर्ल्ड कोनेडिया को भी हमने कुछ ज्यादा थिक वॉल्ड नहीं बनाया है इट इज नॉट वेरी थिक बनेगा अनफेवरेबल कंडीशन के लिए ही बट बहुत एक्स्ट्रॉडनरी कोई थिक वॉल नहीं है इसकी नॉर्मल सेल वॉल है बहुत ओवरली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल नहीं है ठीक है जर्मिनेशन होगा अनफेवरेबल कंडीशन जब हटेंगी तो ये जर्मिनेट कर जाएगा लेकिन देर आर सम आर फॉर्म स्पेसिफिकली फॉर अनफेवरेबल कंडीशन जैसे कि क्लमाइडो ये वाला ये ठीक है तो ए बी सी वहां हो गया था डी क्लेमाइडो स्पोर्स आर फॉर्मड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन एंड दीज आर थिक वॉल्ड सेल्स थिक वॉल्ड सेल्स और थिक वॉल्ड स्पोर्स तो बनेंगे कब जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी थिक वॉल बनना है तो क्लोमाइडो स्पोर बनाएगा अब आसपास ना कुछ शुगर है लॉट ऑफ शुगर अराउंड मान लो जो आपका फंगस ग्रो कर रहा है वो कोई फ्रूट के ऊपर ग्रो कर रहा है फ्रूट तो मस्त मीठा है ना आम गिरा नीचे बाघ में और वहां पर फिर उस पर फंगस लग गया किसी ने नहीं उठाया तो आई है लॉट ऑफ शुगर इन दैट फ्रूट अब शुगर रिच कंडीशन में अलग तरीके के स्पोर्ट्स बनते हैं कहलाते हैं ओइडिया ए बी सी डी ई ओइडिया ओडिया इज मेजरली फॉर्मड इन हाई शुगर कंटेंट अगर आसपास ज्यादा शुगर का कंटेंट है तो आपके पास ओइडिया बनेगा और ओइडिया कैसे बनता है ना जैसे आप आ, आपने कभी मम्मी को पूड़िया बनाते देखा है मम्मी को पूड़ी बनाते देखा है मम्मी पूड़िया जब बनाती है तो आटा ऐसे ऐसे कर देते हैं हम है ना और फिर उस आटे को ऐसे छोटा, छोटा 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 तोड़ते जाते हैं राइट वी जस्ट पिंच ऑफ पिंच है ना तो जो छोटा छोटा एक एक तोड़ रहे हैं ऐसी हाइफी के साथ होता है वो पतला सा धागा था उसमें से एक-एक सेल एक-एक सेल एक-एक सेल टूटता चला जाएगा और स्पोर बनता चला जाएगा लुक एट दिस देखो ये ओइडिया है डी वाला ठीक है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डन समझ आया कमेंट सेक्शन क्विकली लिख लो अगर कुछ लिखना रहता है तो एनाटमी होके खत्म भी हो गया है यहां रामायण खत्म होने को आई है और ये पूछ रहे हैं हम मुझसे कि मैम वनवास कब गए ठीक बेटा जन चलो अब आ जाते हैं टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस अब मजेदार बात ये है कि फंगस जो है वो होता है। हैोम अलग अलग जितने भी हो छः सात आठ नौ दस लेकिन सिर्फ एक ही टाइप का क्रोमोजोम है उसके न्यूक्लियस के अंदर ठीक है उसका जो क्रोमोजोम नंबर वन होगा उसकी एक ही कॉपी टू की एक ही कॉपी थ्री की एक ही कॉपी तो योर फनजाप्लॉइड एंड इज वेरी इन इट्स लाइफ सिंगल लाइफ हैश टैग जिंदगी मस्त ठीक है तो ये अपनी जो जिंदगी सिंगल प्लॉयडी के साथ निकाल रहा है हाप्लॉइड कंडीशन में निकाल रहा है खुशिक है। अब इसको बोला कि ठीक है भाई नेक्स्ट जनरेशन चाहिए और उसके लिए हमें जेनेटिक वेरिएशन भी चाहिए क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में बनाने हैं स्पोर्ट्स आप ये चीज ध्यान रखो बेटा हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मेन डिफरेंस क्या है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दर इज नो जेनेटिक वेरिएबिलिटी कुछ नया नहीं आएगा बस अपनी ही कॉपीज बनानी है हमें ठीक है तो ज्यादातर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में करा दिया जाता है कि फैल जाओ जितना फैल सकते हो बस अपनी ही सेम कॉपी बना के फैल जाओ स्प्रेड एवरीवेयर ठीक है फैल जाओ पूरे में कॉपी बना लो बस अपनी उसमें से भी कभी कभार क्या हो जाता है अनफेवरेबल कंडीशन एकदम से आ जाती है तो मैंने आपको बताया कि वो ओइडिया या क्लेमाइडोस्पोर्स बना लेगा ज्यादातर क्लेमाइडोस्पोर्स बना लेगा ठीक है भाई नो no प्रॉब्लम अब आते हैं अनफेवरेबल कंडीशन ऐसे जिसमें जो सुपीरियर है वो जीतेगा तो अपनी सिर्फ अपनी कॉपी बना के फायदा नहीं है एग्जैक्ट सेम डिटो कॉपी सेल्स बना के फायदा नहीं है ठीक है आप सोचो अगर आपके घर में पांच लोग हैं पापा मम्मी भाई तुम लोगों ने मूवी देखी ना जिसमें गोविंदा होता है जिसमें भाई भी वही होता है बहन भी वही होता है दादी भी वही होता है दादा भी वही होते हैं पापा भी वही है मम्मी भी वही है वो भी वही है सब वही है हाँ इमेजिन so अगर ऐसी कंडीशन होती तुम्हारे घर में कि सारे तुम्हारे जैसे ही हैं पापा मम्मी तुम भाई बहन सब एग्जैक्टली टू सेम तो घर में एक टाइम पे अगर कोई एक का दिमाग खराब है तो सारे दिमाग खराब कर बैठे एक को गुस्सा है सबको गुस्सा है कोई शांति नहीं है सारे चिल्ला रहे ठीक है थीके? सब चुप है तो सारे चुप है सो ये काइंड ऑफ गेटिंग द सेम रिएक्शन टू द एक्सटर्नल आपको बाहर से कोई इरिटेट कर रहा है कोई बार बार घंटे टिंग टिंग बजा रहा है और तुम उठ के दरवाजा नहीं खोल रहे तो कोई भी उठ के दरवाजा नहीं खोल रहा इज एग्जैक्टली सेम डिटो कॉपी अब हो गई प्रॉब्लम ऐसे ही नेचर में हो जाता है एनवायरमेंटल कंडीशन में क्या चेंज आएगा और उसमें कौन सर्वाइव कर जाएगा हु इज गोइंग टू रिएक्ट द बेस्ट एंड इज गोइंग टू सरवाइव इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा वेरिएशन मांगता है तो वो वेरिएशन मेरे पास आएगा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से सो ड्यूरिंग वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एन अनफेवरेबल कंडीशन दैट वी ऑल्सो नो ऑफ ठीक है तो ऐसे में हमने क्या किया हमने निकाले द बिग गन्स एंड दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में कैसे कराओगे अब हैप्लॉयड तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है उसमें मैं मियोसिस कैसे कराऊं क्योंकि वेरिएशन तो जो आएगी वो मियोसिस लेके आएगा तो कहानी कुछ ऐसे शुरू करते हैं हम नॉर्मल सेल से गेमेट बनवा हैं ठीक है सपोज आई गेट जस्ट टू डिफरेंट गेमीट्स ठीक है ऐसे ऐसे बना दो दो अलग गेमीट्स बना दिए आपने अगर इससे भी कंफ्यूज हो जाते हो तो हमने वैसे तो आईसो एन आई सो वो गेमी पढ़ा हुआ है बट मैं दोबारा समझाऊंगी उसको लेट्स राइट वन सेल विच इज अनदर सेल विच इज वी आर देम एज गेमीट्स ठीक है तो पहले तो हम गेमीट्स फ्यूज कराएंगे कैसे बना दिए मैम आपने हाप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से गेमीट हाप्लॉय ऑर्गेनिज्म जब गेमीट बनाता है तो माइटोसिस से बनाएगा ऐसे गेमीट्स को जो माइटोसिस से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं माइटोगेमीट्स माइटोगेमीट्स माइटोसिस से बनने वाला गेमीट ठीक है माइटोगेमीट्स माइटोगेमीट्स ना ने मुझे बना के दिए माइटोसिस से बने मेरे पास दो गेमीट्स इनको हम कराएंगे फ्यूज तो सेल के अंदर न्यूक्लियस अभी अलग है लेकिन साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है न्यूक्लियस नहीं करता ठीक है न्यूक्लियस नहीं करता साइटोप्लाज्म फ्यूजेस एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोगेमी सो प्लाज्मोगेमी इज फ्यूजन ऑफ पार्ट फ्यूजन ऑफ ज़्यादातर फंगस क्या करती तुरंत इसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज करा देगी, राइट मेजोरिटी फंगस क्या करता है कि तुरंत इसके बाद 2n हो जाता है ये क्योंकि देर इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई कैरियो गेमी गेमी मीन्स फ्यूजन कैरियो इज न्यूक्लियस न्यूक्लियस गेट्स फ्यूज ठीक है मेजोरिटी में ऐसा हो गया लेकिन किसी किसी में इन सम ऑफ देम इन सम ऑफ देम यहां बात रुक जाती है बेटा हम प्लाज्मो करा के एन प्लस एन कंडीशन करा के और बैठ जाते हैं सो कंडीशन रुक जाती है यहीं पे अगर किसी भी फंगस में साइटोप्लाज्म फ्यूजन के बाद कैरियोकाइनेसिस तुरंत नहीं हो रहा है और थोड़ा टाइम ले गया तो उस स्टेज को हम बोलेंगे फेज डाय कैरियोन फेज इज एन प्लस एन फेज जहां साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर चुका है लेकिन अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया है ठीक है दिस इज मोस्टली सीन इन एडवांस फंगस लेकिन ये चीज पॉसिबल है पॉसिबिलिटी ऑफ इट ठीक है तो हैप्लोइड सेल है माइटोसिस से गेमीस बनाए वो गेमीट्स मैंने फ्यूज करा है फ्यूज करा है तो साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ केरियोकाइनिस नहीं हुआ फिर न्यूक्लियस फ्यूज किया केरियोकाइनसिस हो गया लेकिन किसी किसी फंगस में प्लाज्मोगेमी और केरियोगेमी में काफी टाइम का ड्यूरेशन होता है देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम इन बिटवीन उस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन फेज जब प्लाज्मोगेमी तो हो गई है लेकिन केरियोगेमी अभी नहीं हुई है चलो आज नहीं तो कल होगी तो जरूर आज नहीं तो कल होगी जरूर केरियोगेमी कैरियोगेमी हो गई मानो ठीक है तो मेरे पास डिप्लॉयड है डिप्लॉयड सेल बन गया जबकि मेरे पास नॉर्मली ये है, हैप्लॉइड था बेचारा ऑर्गेनिज्म जिंदगी हैप्लॉयड हैश टैग सिंगल लाइफ है ना तो ये तो हमारा अकेला रह रहा था आदमी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे जिस भी बच्चे को हाप्लॉयड डिप्लॉयड में कंफ्यूजन है प्लीज गो एंड वॉच द सेशन ऑफ सेल साइकिल सेल डिविजन पहला लेक्चर क्योंकि जब तक वो नहीं करोगे जिंदगी भर हैप्लॉड डिप्लॉयड कंफ्यूजन रहेगा बायोलॉजी में हाप्लॉयड डिप्लॉयड जहां आएगा घबराओगे तो क्यों ना आधा घंटा देके उसको समझ के खत्म करूं मैं ठीक है तो प्लीज ये कर लेना सर्च करना मिल जाएगा सेशन तुमको अब ये हाफ है और ये डिप्लॉइड है मेरे पास तो अब इसको नॉर्मल कंडीशन में लाना पड़ेगा तो हम इसमें मियोसिस कराएंगे इसमें मियोसिस होगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ मियोसिस

तो स्पोर्स में मियोसिस होने के बाद बनेगा इस मियोसिस को आप क्या बोलोगे बेटा दिस इज नोन एज है फर्टिलाइजेशन से तो फर्टिलाइजेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स एंड दिस पार्ट इज नोन एज मेजरली स्पोरिक मियोसिस का नाम भी हम प्रॉपरली नहीं लेते हैं बट है तो वो जाइगोट ही ठीक है स्पोर्स की प्लॉय

हा क्लेमाइडोस्पोर जू स्पोर को सारे थे ए सेक्शुअल स्पोर्स क्योंकि वो सारे माइटोसिस से बन रहे थे नॉर्मल ये मियोसिस से बना है जेनेटिक वेरेबिलिटी के साथ बना है हें इट विल बी नोन एज सेक्शुअल स्पोर करेक्ट राइट नाउ डिफरेंट मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से ये प्रोसेस में जाता है हमारा सबसे पहला कॉपुलेशन इसके बारे में लास्ट क्लास में भी पढ़ा बेटा मैंने मैंने पढ़ाया एंड दैट इज आइसोगेमी एंड एंड उगेमी आइसो एनआईसी मेल और फीमेल दोनों गेमीट सेम दिखते हैं आइसोगेमी मेल एंड फीमेल गेमीट्स आर सिमिलर इन morphology. आर सिमिलर इन morphology. ठीक है वहीं पे एनाइसो में जो बड़ी वाली है दैट इज फीमेल जो स्मॉल है वो मेल मेल इज स्मॉलर इन साइज मेल गेमीट इज स्मॉलर इन साइज फीमेल गेमीट इज लार्जर इन साइज दोनों के पास फ्लाजिला ठीक है सो देर इज अ डिसमिलर सिमिलर डिसिमिलर साइज ऑफ गेमीट्स

ठीक है आइसो का मतलब सेम गेमी मीन फ्यूजन सेम दिखने वाले में फ्यूजन एंड आइसो मेल इज फीमेल इज लार्ज एंड इमोल मेल इज स्मॉल एंड मोटाइल लास्ट में भी क्या हमने डायटम्स डायनोफ्लाज के लिए भी पढ़ी थी ये चीज नाउ समथिंग न्यू एंड दैट इज कॉल्ड एज गैम कॉन्टैक्ट गैमिटांजल yeah, कॉन्टैक्ट में आपको ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज ऊगोनियम ऊगोनियम ऊ सॉरी एग कैरी करने वाला स्ट्रक्चर ऊगोनियम आप स्पोरजियम बोल रहे थे याद है अब कैसा स्पोर है उसके अंदर मेल की फीमेल सो फीमेल अगर फीमेल को कैरी करता है तो कहलाता है ऊगोनियम ऊगोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो सेम हाइफी में बन रहे हैं सेम धागे से निकले वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे ठीक है कांटेक्ट में आ जाएंगे तो एंथ्रीडियम के अंदर जो भी चीज थी वो इधर मूव कर जाएगी अब आप देखो एक न्यूक्लियस यहां है और एक न्यूक्लियस यहां है एग इज फीमेल गेमीट से तरफ मूव कर जाएगा एंथ्रोजोइड जो एंथ्रीडियम में था दैट इज मेल गेमीट मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर गेमिटांजियल कॉन्टैक्ट गैमिटांजिया गेमीट कैरी करने वाले स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है ठीक है गेमिटांजियल कॉन्टैक्ट सेकेंड टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सीन इन फंगस नेक्स्ट रेडी बदल दू पेज लिख लिया आप हम्म वेटिंग फॉर यू टू राइट इट डाउन ठीक है अब आती है बात अगली हाँ चलो गुड टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर थर्डिटैंजियल पॉप्युलेशन बेटा कल नहीं होगी क्लास तो मेक श्योर sure कि आप तब तक ये सब कुछ प्लीज लिख लो समझ लो और फिर अगली क्लास में आना क्योंकि फंगस में आप देख रहे हो कितने नए टर्म्स आए हैं लॉट ऑफ न्यू टर्म्स दैट वी हैोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा <coughs> ठीक है मेल फीमेल एग्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि जो हाइफी है ना इतना डिस्टिंग नहीं है हाईफी इसके अंदर यूजली वो जो धागे और माइसिलियम फैले हुए हैं हमें कुछ पता नहीं चलता खास वेल है मेल है कि फीमेल है पता नहीं चल रहा और स्ट्रक्चर भी कुछ इलाबोरेट नहीं बना रहा जैसे इसने तो चलो फिर भी ऐसा मोटा पूरा हुआ स्ट्रक्चर बना दिया मुझे पता चल गया ये फीमेल है इसने नैरो स्ट्रक्चर बनाया मेल है ठीक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर स्मॉल स्ट्रक्चर बट नाउ हियर आई कैन नॉट टेल कि कौन सा वाला कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है मेल की फीमेल तो हम ना अपने कन्वीनियंस के लिए एक को मेल मानते हैं और एक को फीमेल मानते हैं एंड इफ यू सी दो हाइफी एक दूसरे के बराबर बराबर में आ जाती हैं दिखने में सेम है बेटा और बिना सेप्टा के है तो देर ए सेप्टेट ए सेप्टेट मतलब कोई डिवीजन नहीं अंदर इसका मतलब बहुत सारे न्यूक्लिया एक साथ मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी एक में मैं ब्लू बना रही हूँ और एक में मैं रेड बना रही हूं ठीक है ध्यान रखना है सारे सेल्स ऑल द हैप्लोइड ठीक इसमें क्या होता है दोनों आई जैसे साइड साइड में थी दोनों में से ऐसा बल्बस सा स्ट्रक्चर बाहर निकल के आया ये और इसको हम पीछे से ना कट कर देंगे अब थोड़े टाइम में जब ये एक बार फूल गया ना तो अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा डिवीजन बना देंगे जब प्रॉपर डिवीजन बन जाएगा तो मेरे पास ये एक बना ये एक बना अब देखो पीछे वाले हाईपी से ये एक डिवीजन क्रिएट करा लिया इसने कि मैं अलग हूं हाँ एक में आपके पास ब्लू कलर के न्यूक्लिया हैं और दूसरे में आपके पास रेड कलर के न्यूक्लिया हैं मेल फीमेल रिप्रेजेंटिंग मेल फीमेल कोई सा भी कलर किसी को भी मानो ठीक है दोनों अलग अलग न्यूक्लिया जो है ये गेमीट कहला रहा है अब हमेशा से ये पढ़ते आए हैं हम कि गेमीट में तो एक न्यूक्लियस होता है मैम बट ये गेमीट एक से ज्यादा न्यूक्लियस लेके कैसे बैठा है क्योंकि जो हाइफी थी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थी तो उसने गेमीट भी मल्टी न्यूक्लिएटेड बना दिए मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टीपल न्यूक्लियस वाली हाइफी को मैं बोलती थी सीनोसिटिक हाइफी तो इन गेमीट्स को भी हम बोलेंगे सीनो गेमिट्स दैट मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड गेमिट्स मल्टी न्यूक्लिएटेड गेमिट्स ठीक है एक मेल एक फीमेल जेनेटिकली जेनेटिकली एक मेल एक फीमेल है मैं देख के नहीं बता सकती सो आई कैन नॉट टेल विच इज मेल एंड विच इज फीमेल मैं ये जानती हूं कि जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है कोई स्पेशल सेक्स ऑर्गन नहीं बन रहा है no इधर से ही एक छोटा सा पार्ट पिंच ऑफ होता है अंदर की तरफ बल्बस सा बनता है और उसको हम वॉल बना के अलग सा सेल बना देते हैं इस सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस आ जाते हैं मल्टीपल न्यूक्लिया दर मल्टीपल न्यूक्लियस होने की वजह से ये जो गेमीट बना मेरा इसको मैंने बोला मल्टी न्यूक्लिएटेड गेमीट

प्लास वो गेम इट एक्सप्लेस एवरीथिंग कम्स इन साइड वन सिंगल सेल ये और इसको बेटा हम बना देते हैं थिक वर्ल्ड आप देखो इस पे काटे काटे से लग रहे हैं आप थिक वर्ल्ड स्ट्रक्चर दिस थिक वर्ल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एजगो स्पोर जाइगो स्पोर इज अ थर्ल्ड ठीक है लेकिन मैंने आपको सिर्फ इसमें प्लाज्मो होते हुए बताया है अब अंदर ही अंदर क्या होगा अंदर ही अंदर वो ब्लू वाला एक रेड के साथ फ्यूज कर जाएगा ब्लू विद रेड ब्लू विद रेड ब्लू विद रेड ब्लू विद रेड कैरियोगेमी हो जाएगी और कैरियोगेमी हुई तो अंदर बहुत सारे डिप्लोइ न्यूक्लियस हो गए इसमें केरियोगेमी होगी फिर इसमें मियोसिस होगी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये ब्लूम ठीक है तो हाइफी कम्स टुगेदर फॉर्म्स छोटे छोटे जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है नोन न्यूक्लियसो वो फ्यूज करते हैं प्लाज्मो गेमी होती है अंदर केरियो गेमी होती है इन साइड अ थिक वॉल स्ट्रक्चर विच ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन विल जर्मिनेट फॉर्म स्पोर्स एंड मेमी ठीक है सो दिस इज गेमिटांजल कॉप्युलेशन आता है जाइोमाज में जाइोमाज में पूरे में लाइफ साइकिल में समझाऊंगी आपको ठीक है विल कंप्लीट द होल लाइफ साइकिल अकॉर्डिंगली ठीक है वॉल किसकी बनी होती है बेटा टाइटन है ना चलिए नेक्स्ट स्पर्मेटाइजेशन फोर्थ स्पर्मेटाइजेशन में हमने ज्यादा लोड नहीं लिया मेल एक फीमेल है ठीक है जो मेल है उसमें से ऊपर स्ट्रक्चर बनने लगे छोटे छोटे सेल्स टूटने लगे कैलाइस मैटियम मेल और दूसरी फीमेल आईफी है उसमें एक सेल जो सबसे ऊपर सेल बैठा था वो बोला दिस इज द रिसेप्टिव आई फी ये है हमारा फीमेल सेल ठीक है कभी कभार जस्ट सीधा ऊपर वाला सेल हो जाता है कभी कभार इट बिकम्स अ लिटिल बल्बस और थोड़ा ऐसा सा स्ट्रक्चर ले जाता है ठीक है ये रिसेप्टिव हाइफी हो जाती है तो इसको जो मेल गेमी डाल चिपकता है फिर इसके अंदर फ्यूज कर जाएगा प्लाज्मोगेमी हो जाएगी प्लाज्मोगेमी हुई तो फिर कैरियोगेमी कभी ना कभी तो होगी ही पहले हो चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो अ स्मॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर मेल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर विल ट्रैवल इन द एयर विल गेट स्टक एकदम टिप वाले सेल पे और उसका फर्टिलाइजेशन कराते इज़ी, वेरी इजी इससे भी ज्यादा इज़ी, अल्ट्रा इज़ी, सोमैटो गेमी सोमैटो वर्ड जो आया है ना सोमैटो वर्ड कम्स फ्रॉम सोमैटिक सोमैटिक मींस नॉर्मल बॉडी के सेल्स नॉर्मल बॉडी सेल्स दैट अंडर गो माइटोसिस नॉर्मल बॉडी के सेल्स जो नॉर्मली माइटोसिस करते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं तो मेल हाइफे जा रहा है फीमेल हाइफे जा रहा है फिर से आप जेनेटिकली बाहर से देख के नहीं बता सकते अंदर घुसना पड़ेगा उसके सो मोर्फोलॉजिकली वेरी सिमिलर मोर्फोलॉजी सेम से दिखेगी लेकिन जेनेटिकली न्यूक्लियस अलग अलग है भाई ठीक है वो पीछे वाले जैसा इसके जैसा गैमिटैंडल कॉप्यशन जैसा बट इसने तो फिर भी कुछ मेहनत कर ली इसने तो फिर भी थोड़ी जान लगा ली कि मैं थोड़ा सा कुछ बल्ब स्ट्रक्चर बनाऊं फिर उसको फ्यूज कराऊं फिर उसमें बनाऊं ब्ला 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 इसने फिर भी कुछ मेहनत करी है इसका भी महान हमारे पास आता है ये मेल लाइफ ही फीमेल लाइफ ही ऐसे ग्राउंड के साथ फैल रहे फैल रहे फैल रहे गिरे क्रॉस नीच अदर एट दिस पॉइंट जिस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस किया वहां वाला वॉल डिजोल्व हो जाएगा जिस पॉइंट पे एक दूसरे के कांटेक्ट में आए वहां वॉल डिजोल्व हो गया वॉल डिजोल्व होते ही प्लाज्मोगेमी और एक ही सेल के अंदर दोनों न्यूक्लियस पहुंच गए ठीक है सो तुरंत व्हेन वन सेल कोई डिफरेंशिएशन नहीं एक परसेंट का डिफरेंशिएशन नहीं नॉर्मल बॉडी सेल सोमेमी नॉर्मल बॉडी के सेल्स गेमी मीन्स फ्यूजन फ्यूज कर जाते हैं दो तो अलग जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी के सेल्स आपस में फ्यूज कर गए दिस लीड्स टू तो प्लाज्मोगेमी डिप्लॉइड यहाँ पे देखो डाई कैरियो और डायर आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो होगा, जब होगा तब होगा और कब होगा वो मैं बताऊंगी आपको अगली क्लास में गिरा दू बिल्डिंग ही थोड़ दो सब कुछ ठीक है सो इन द इन द लास्ट पॉइंट दैट वी डिड हियर इज अभी आ रहे हैं बेटा बस हां सोमैटो so, गेमी में दो सेल्स जिन्होंने कुछ भी नहीं किया लिटरली बस जस्ट आके गिर गए एक दूसरे पे दो बॉडी सेल्स इट सेल्स दे गेट फटैक्स से

ओके अ वेरी वैलिड क्वेश्चन नॉट अ वेरी वैलिड क्वेश्चन मतलब खुद सोचोगे तो आई जाएगा आंसर बट एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम ये फिर हमने सोमेटोगेमी को ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्यों नहीं रखा क्योंकि देर इज प्लाज्मो गेमी देर इज केमी एंड देर विल बी मी ऑसिस इसलिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है नॉर्मल बॉडी सेल्स नॉर्मल माइटोसिस करके स्पोर नहीं बना रहे मियोसिस से स्पोर बना रहा है तो जो नॉर्मल बॉडी का सेल है उसमें फर्दर डिफ्रेंसिएशन नहीं कि तुम मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन हो या मेल और फीमेल स्ट्रक्चर हो ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है मेल फीमेल का विदाउट एनी एक्सट्रीम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन और डिफरेंट डिफ्रेंसिएशन फॉर्मेशन हमारा उसके बिना ही सेल्फ यूज करके सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहा है दैट इज बाय नॉट इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन राइट सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन पीडीएफ यहाँ पे अपडेट हो जाएगी आज की क्लास का लिंक भी यहाँ चला जाएगा ठीक है जेनेटिक्स के क्वेश्चन कुछ जेनेटिक्स के क्वेश्चन कुछ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन दोनों कराऊंगी मैं दो बजे की क्लास में सो यू कैन ज्वाइन मी दैर आईकॉनिक और प्लस आप जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहो ले सकते हो प्लस पे वेरी लेस डिस्टर्बेंस क्योंकि ज्यादातर बच्चा पढ़ने आया तो आपको डिस्टर्ब नहीं करता वो खुद भी पढ़ रहे हैं सो आइकॉनिक मैं आपको प्लस के साथ साथ एक मेंटोरशिप और मिल जाएगी यू विल फाइंड अ पर्सन जो आपको टाइम टेबल बनाने में और बाकी गाइडेंस में हेल्प कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ कोमन लाइफ कोड थैंक यू फॉर यूजिंग कोमन लाइफ कोड जिस जिसने अभी तक कर दिया है एंड इट इज़ जस्ट अ मेथड कि आप मुझे बता सकोगे पसंद आती है सेशंस ठीक है सो यू लाइक हाउ आई टीच टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो बेटा मेधावी बैच में कल से हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर शुरू करेंगे पाँच बजे ठीक है कल वाली सेशन जो है हमारी वो सुबह आठ बजे है एट ए एम पे है थोड़ा टाइम चेंज किया मैंने राइट बट मेजोरिटी थिंग्स आर गोइंग टू टेक प्लेस ऑन एट फाइव पी एम तो प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट फाइव पी एम एंड ये है हमारा पूरे वीक का फ्री क्लास का स्कड्यूल सारे लिंक्स आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे बेटा टू डू नॉट फॉरगेट टू द चैनल आज का टारगेट दो बजे जेनेटिक्स के क्वेश्चंस और रात को आठ बजे

क्योंकि तो थोड़ा कोमल मैम को भी बचाना है आ, वरना टाटा बाय कोमल मैम एंड बर्थडे मी नहीं ठीक है सो कोड इज कोमल लाइफ एंड मेक श्योर दैट यू यूजिंग इट और भी बहुत सारे बैचेज हैं बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो जिससे भी आप पढ़ना चाहते हो पढ़ो नो no प्रॉब्लम ठीक है ऐसा नहीं है कि आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो आप सिर्फ मुझे से पढ़ सकते हो ऐसा नहीं है यू जस्ट कम टू द प्लेटफॉर्म विद मी एंड देन यू जस्ट यू कैन गो एंड अटेंड एनी बडीज क्लास ठीक है Uh, यहाँ पे भी फ्री डी पी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ है कोमल लाइव अगेन अगर आप पहली बार ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो आपसे पूछेगा किसने बोला तो कोमल लाइव एंड यू कैन ऑल्सो आस्क योर डाउट्स ऑन अन अकेडमीज़ लर्निंग ऐप इसके अलावा कॉम्बैट भी होगा अट्ठाईस तारीख को ठीक है तो कॉम्बैट स्कॉलरशिप के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो यू कैन गो फॉर दैट सब्सक्रिप्शन ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप्सलूटली फ्री एनरोलमेंट है सब्सक्रिप्शन का भी uh, उसका सॉरी स्कॉलरशिप के लिए एंड नेक्स्ट पेपर इज़ वॉट यू हैव टू गिव अट्ठाईस को है शायद अट्ठाईस को पेपर है तुम्हारा ओके सो ट्वेंटी एट को भी कॉम्बैट है ग्यारह बजे स्कॉलरशिप एग्जाम है मैं बता दे रही हूँ मेक श्योर दैट यू आर एनरोलिंग फॉर दैट ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब आई विल सेंड बोथ पी आज वाला और कल वाला टेलीग्राम आई पे जो मैंने आपको बताया पीछे एंड थैंक यू सो मच आई विल सी यू इन क्लास कीप रॉकिंग